भोपाल से बड़ी खबर। पीएफआई मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। भोपाल पीएफआई के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। अनवर पिता रियाज सिद्दीकी पर 10,000 का इनाम था, तो कोर्ट में आरोपी को जल्द ही पेश किया जाएगा। अब तक पीएफआई के 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो 4 जुडिशियल रिमांड, 13 सदस्यों को एटीएस ने रिमांड पर लिया हुआ है। तो बड़ी अपडेट, पीएफआई मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। तो अनवर पर 10,000 का इनाम था, कोर्ट में आरोपी को जल्द ही पेश किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब तक पीएफआई के 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 जुडिशियल रिमांड पर चले गए, 13 सदस्यों को एटीएस ने रिमांड पर लिया है। बड़ी खबर और अहम खबर, तो पीएफआई से जुड़ी यह बड़ी अपडेट आ रही है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को और मिली है। तो पीएफआई मामले में पुलिस को बड़ी सफलता यह मिली, एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी सफलता, भोपाल पीएफआई के सदस्य को यहां पर गिरफ्तार किया गया, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष को, भोपाल पीएफआई के अध्यक्ष की गिरफ्तारी यह हुई है यहां पर। तो अनवर पर 10,000 का इनाम था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में आरोपी को जल्द ही पेश किया जाएगा। अब तक पीएफआई के 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 जुडिशियल रिमांड पर हैं न्यायिक हिरासत में, और 13 सदस्यों को एटीएस ने अपने रिमांड पर लिया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता पीएफआई मामले में यहां पर मिली है। तो भोपाल से बड़ी खबर, पीएफआई मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, तो अहम खबर और बड़ी खबर। तो पीएफआई मामले में पुलिस को बड़ी सफलता है, भोपाल पीएफआई के अध्यक्ष को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा जल्दी, और रिमांड पर लेने की कोशिश होगी, कोर्ट से मांग की जाएगी। और अजय शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, क्या ताजा अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले में? अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो पीएफआई मामले में पुलिस को बड़ी सफलता यह मिली है, भोपाल पीएफआई के अध्यक्ष को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।